जय हिंद स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर नंबर टू पॉलिनोम एंड द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज हेयर ट्वेंटी थ्री में कह रखा है अल्फा बीटा एंड गामा आर द दीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोम क्यूबिक पॉलिनोम जो दे रखा है हमारा वो क्या है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ठीक है ना अब इसमें क्या रखा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पे जो दे रखा है हमारा अल्फा गामा यहाँ ये यह जो है दे रखा है ये क्या है हमारी एक आइडेंटिटीज है जो मैंने आपको बताई थी क्या थी हमारी प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ़ द ज़ीरोज इक्व टू क्या होता था हमारा माइनस सी अपन ए के बराबर तो ये हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी हमारी सी अपोन ए के बराबर ठीक है ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है हमारा इफ द जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दे रखा है वो कौन कौन से हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से हमारा ठीक है ना इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या है एस अपॉन टी है और एस है और एस और टी है ये तीन जीरोज़ दे रखे हैं हमारे अब इसमें एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है ना तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स हो जाएगा हमारा एस अपॉन टी मैंने सॉल्यूशन कर दिया यहाँ पर इंटू एस और इंटू एस और टी ठीक है ना तो टी से हमारा टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएंगे हमारे तीन एस ठीक है ना तो थ्री टाइम्स एस है इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा एस क्यूब हो जाएगा ठीक है ना और इधर जो हम ब्रेकेट हटा देंगे तो ब्रेकेट हटाने के बाद अंदर का साइन जो है माइनस है वो प्लस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा हो गया यहाँ पर प्लस का वन ठीक है ना और एस की वैल्यू निकालेंगे तो वो वन आएगी यहाँ पर ठीक है तो ये हमारा इसका ई e जो पार्ट है वो सही होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखते हैं इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियस एफेक्ट्स टू एक्स क्यू माइनस थ्री के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव ये दे रखा है हमारा और वो क्या है किसके बराबर है सिक्स के बराबर है ठीक है ना सम ऑफ जीरोस तो यहाँ पर जो वैल्यू पूछी गई है के की वो हमें फाइंड आउट करनी है तो के की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सम यहाँ पर जो दे रखा है किसका जीरोज़ का तो एल्फा बीटा और गामा जो है हमारा वो किसके बराबर है सिक्स के बराबर ठीक है ना और ये सम ऑफ ज़ीरो जो होता है वो क्या होता है माइनस बी या ए के बराबर तो माइनस हमारा आइडेंटिटी में बाहर होता है और बी जो दे रखा है वो माइनस थ्री के के बराबर है अपॉन में ए जो है वो एक्स क्यूब का हमारा यहाँ पे कॉफिशेंट हो जाएगा तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसके बाद टू का हमने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ब्रेकेट हटाने के बाद ये हमारा प्लस का थ्री के हो गया और ये जो आ गया हमारा किसके सिक्स इंटू टू के बराबर थ्री से हमने सिक्स को कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया टू अब बचा क्या हमारे पास टू इंटू टू ठीक है तो टू इंटू टू जो है वो हमारा फोर के इक्वल आएगा तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो बी वाला सही होगा फोर ऐसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स जो दे रखा है क्या रखा है इफ़ द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री फोर इज़ डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज मीन्स क्या हो जाएगी इसको याद करके रखना पड़ेगा क्या हो जाएगा ए इज़ लेस देन इक्व टू वन ठीक है ना जो यहाँ पे डिग्री होगी हमारी रिमाइंडर की वो क्या होगी हमेशा e इज़ लेस देन इक्व टू वन होगी ऐसे ही ये कंडीशन है इसको याद रख के मतलब आपको चल, चलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दे रखा है यहाँ पे देखो इफ़ यहाँ पे दे रखा है माइनस uh, बी फिर जो दे रखा है हमारा ए और फिर दे रखा है ए प्लस वी ये जो ज़ीरोज़ हैं हमारे यहाँ पर ठीक है ना तो अब यहाँ पे जो कह रखा है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है समा और जीरोज़ इसके बराबर होता है हमारा माइनस बी अपोन ए के बराबर तो ज़ीरोज़ दे रखे हैं हमारे कितना ए माइनस बी ए और कितना फिर दे रखा है ए प्लस वी ठीक है ना तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ पर ये यह हमारा प्लस का है यहाँ पर ठीक है न तो ये प्लस का बी है और ये हमारा माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो अब रह गए हमारे पास ए थ्री तो उन दोनों का सम करेंगे तो थ्री हो जाएगा हमारा और इसका जो हमने सोल्यूशन यहाँ पर किया तो आ गया सिक्स अपॉइंट टू टू से हमारा सिक्स कैंसिल हो गया तो थ्री आ गया ठीक है ना फिर थ्री जो यहाँ पे रह गया उससे हमने जो बचा हमारा थ्री उसको भी कैंसिल कर दिया तो आ गया ए इक्व टू वन तो इसका जो आंसर होगा हमारा ट्वेंटी <coughs> सेवन का ए सही होगा ये देखो आइडेंटिटी होती है कुछ आइडेंटिटी हैं वो तो याद रखनी पड़ेंगी उनकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती है जैसे यहाँ दे रखा है डिवाइडेंट क्वस टू इक्वल होता है तो बताना है ये वाला हमारा सही होगा डिवाइडिंग तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोम में आपको समझाया था मैंने ये आइडेंटिटी को ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन में देखो किस तरह से दे रखा है ठीक है ना इन द प्रोडक्ट इज वन समीरोज टू दे रखा है प्रोडक्ट वन दे रखा है ठीक है ना तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो तो क्या होगी तो हमें पता है जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता था हमारा वहाँ पर सम ऑफ़ जो जीरो होता है इन टू एक्स सम ऑफ जीरो यहाँ पे दे रखा है टू और इन टू एक्स तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा टू एक्स हो जाएगा और प्लस उसके बाद होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है वन तो यहाँ पे वन लिख दिया ठीक है ना तो ये हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी है, है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इसी तरह से देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्टी इफ वन ऑफ द ऑफ अ क्वाड्रेटिक क्वारेटिक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनियल्स हमारी ये दे रखी है ए एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इतने जीरो दे रखा है यहाँ पर अदर जीरो की बात हो रही है ठीक है ना तो अदर जीरो की बात हो जाएगी तो इसका मीन्स यहाँ पर जो है क्वेश्चन की कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी सबसे पहले तो इन्होंने क्या दे रखा है एक जीरो जो दे रखा है वो कितना है एफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वारेटिकॉलीनोम दे रखा है ज़ीरो तो दूसरा पूछा गया है यहाँ पर हमारा ठीक है ना तो हमें पता है दूसरे के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर आइडेंटिटी निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा एक टू जो होता है हमारा किसके बराबर होता है माइनस बी एफ ए के बराबर होता है ठीक है ना तो उसमें एक जीरो जैसे उसने दे रखा है हमारा ज़ीरो के बराबर है तो अल्फा की जगह हमने जीरो रख दिया प्लस बीटा तो इस तरह से जो तो बीटा इक्व टू माइनस बी अपॉन ए रह जाएगा ठीक है ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है हमारा द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ठीक है ना तो इसमें हमें पता करना है कि सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट सम पता करना है और प्रोडक्ट पता करना है ठीक है ना तो सम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है माइनस बी अपोन ए और यहाँ पर जो ये जो पॉलिनोमियस दे रखा है हमारा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इसमें जो है हमारा बी मीन्स एक्स का टर्म है ही नहीं तो वो ज़ीरो हो जाएगा ठीक है ना और फिर जो होता है यहाँ पर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है सी अपोन ए के बराबर तो सी जो दे रखा है कॉन्सटेंट टर्म माइनस फाइव और ए जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कितना है सिक्स तो माइनस फाइव ऑन सिक्स तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा फिर थर्टी टू दे रखा है यहाँ पे व्हाट शुड बी सप्ट्रैक्ट हमें क्या सब्ट्रेट कर दिया जाए इस जो यहाँ पॉलिनोम जो दे रखा है इसमें से कि रिमाइंडर जो है वो वन आना चाहिए ठीक है ना तो देखो हम कैसे करेंगे अब हमें क्या इसमें से रिमाइंडर अगर वन रहने देना है तो एक्स क्यूब हटना है माइनस टू एक्स स्क्वायर हटना है और प्लस का फोर एक्स हटना है और ये कब हटेगा जब इसके अपोजिट साइन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे मीन सब्ट्रैक्ट हम इतने इसमें इस से एक्स क्यूब माइनस कर दें ठीक है ना और माइनस टू एक्स क्यूब कर दें और इसी तरह से माइनस फोर एक्स कर दें यहाँ पर ठीक है ना तो ये हमारा ए वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों टर्म अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो बन रह जाएगा ठीक है ना तो ये हमारा ए वाला सही होगा इसका ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री दे रखा है हमारा वट शुड बी सब्ट्रैक्ट ये क्वेश्चन वही इसी तरह से रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू ही रिपीट हुआ है ठीक है ना तो दोबारा आई मीनस ये मैंने आपको यहाँ पर समझाई दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको करवाने की आप खुद कर लेंगे इसे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर थर्टी फोर में देखते हैं यहाँ पर क्या है अब पॉलिनोमियस ऑफ डिग्री ज़ीरो बहुत आसान क्वेश्चन है ये अगर कोई भी पॉलिनोमियस जो है जिसकी डिग्री ज़ीरो है तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियस होगा ठीक है आज की वीडियो में इतना ही अब इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको नए चैप्टर से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और चैप्टर नंबर थ्री हमारा स्टार्ट होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ठीक है ना जय हिंद स्टूडेंट